गुड मॉर्निंग बेटा। कल बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, चैप्टर का नाम था बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हमने कॉमन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पढ़ी थी बेटा कल। ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए किए गए थे। नेक्स्ट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इनमें से आ सकते हैं। देखो जरा, इस चैप्टर में भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो, फर्स्ट है ब्लैक मैन। ब्लैक मैन प्रपोज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये चैप्टर में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, गिवन बाई ब्लैक मैन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड डार्क रिएक्शन। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा समझ लो कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। बेटा जो इन कॉमन हमने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पढ़ी थी, लाइक ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो अब ये जो ग्लूकोज है ये किन किन चीज़ों से बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रहा है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और सनलाइट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि टोटल ये चार फैक्टर हो गए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर रहे हैं। चारों में से अब अगर एक भी एब्सेंट होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब खाना नहीं बना पाएंगे प्लांट्स। ठीक है, क्लियर बेटा। तो देखो इस का नाम क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या बोलता है कि इन चारों में से बेटा जो भी फैक्टर सबसे कम होगा, ठीक है, जो भी फैक्टर सबसे कम होगा वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरोफिल की क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, क्लोरोफिल की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, तो क्या यह फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगी, हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज हेयर क्लोरोफिल इज द लिमिटिंग फैक्टर। अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे देखो, सेकंड बेटा विल स्टेटर। W से स्टार्ट करना है आपने ये, ठीक है, बी से नहीं, बी बॉल से नहीं। विल स्टेटर, स्टॉल एंड फिशर दे स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। एक दिन हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे बेटा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक अ टेडपोल लार्वा, ठीक है, जिसमें एक फाइटॉल टेल होती है एंड पॉरफायरिन हेड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इन तीनों ने मिलकर स्टडी किया था। वाउगर स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्लैशिंग लाइट। फ्लैशिंग लाइट मतलब कंटिन्यू लाइट नहीं दे रहे हम प्लांट को, ठीक है, रुक रुक के लाइट मिल रही है प्लांट को। फ्लैशिंग लाइट, हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। अगर प्लांट में प्लांट को हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, ठीक है, एंड पॉइजन्स ऑन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जा रही है। ठीक है, वागबर्ग ने स्टडी किया था। उसके बाद एमर्सन एंड एर्नॉल्ड, एमर्सन एंड एर्नॉल्ड इन्होंने बेटा विद द हेल्प ऑफ फ्लैशिंग लाइट एंड टेम्परेचर चेंज, मतलब जो रुक रुक के लाइट मिल रही थी प्लांट को और टेम्परेचर चेंज करके इन्होंने क्या फाइंड किया, दे फाउंड प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क फेजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में दो अलग अलग फेजेस बनती हैं, वन इज द लाइट फेज एंड सेकेंड इज द डार्क फेज। ठीक है, देन रॉबर्ट हिल, ठीक है, इन्होंने दी थी लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन दी थी। ठीक है, ये बेटा इन जनरली आपको याद रख लेना है कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शंस बनती हैं, वन इज द लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड इज द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा डार्क रिएक्शन दी थी ब्लैक मैन ने, और लाइट रिएक्शन किसने दी थी, रॉबर्ट हिल ने। एनन एलन एंड वेटले
डिस्कवर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन. वर्ड बेटा अंडरलाइन कर लो, फोटो फॉस्फोराइलेशन. अब देखो फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन पहले भी वर्ड आया था पीछे जब हमने स्टार्ट ही किया था प्लस वन ना सेल चैप्टर से, ठीक है, उस टाइम पे हमने पढ़ा था फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. ठीक है, तो देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, ADP में जब फॉस्फेट ऐड होगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ATP कैसे बना, बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन टू द एडिनोसिन डाई फॉस्फेट. ठीक है, तो इसी को ही हमने क्या बोल दिया, फोटो फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, क्या बोल दिया, फोटो फॉस्फोराइलेशन. अच्छा, मेल्विन कैल्विन, इन्होंने दिया था कैल्विन साइकिल. जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तो डार्क रिएक्शन में एक साइकिल आता है जिसको बोला जाता है कैल्विन साइकिल. क्या बोला जाता है बेटा, कैल्विन साइकिल, गिवन बाय कैल्विन. ठीक है, आगे है आर एमर्सन, इन्होंने दिया था रेड ड्रॉप मेथड. ठीक है, अंडरलाइन कर लो ये भी बेटा, हमने डिटेल में पढ़ना है. एमर्सन ने दिया था रेड ड्रॉप मेथड, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये मेथड क्या बोलता है ध्यान से समझना, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, कम हो जाता है. ठीक है, कब कम होता है, ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट दैट इज ग्रेटर देन 680 nm. ठीक है, जैसे मान लो 680 nm से ज़्यादा लाइट दी जा रही है प्लांट को. ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दी 690. ठीक है, सिर्फ 690 वेवलेंथ वाली लाइट एक प्लांट को मिलती जा रही है, तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. ठीक है, ये आगे आपको याद भी हो जाएगी बेटा जल्दी. ठीक है, अभी देख लो फिर से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, रेड ड्रॉप गिर जाना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज गिवन. ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कितनी, मोर देन 680 nm. ठीक है, क्लियर बेटा. अच्छा आगे देखो, एमर्सन कैलमर एंड सेडरस्ट्रैंड डिस्कवर्ड फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट. फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ेगी, फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट या फिर एमर्सन इफेक्ट. मतलब एमर्सन ने जब रेड ड्रॉप मेथड दिया था ना, उसके बाद ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी कैसे. ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट या फिर एमर्सन इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हिल एंड बेंडॉल प्रपोज जी स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. ये भी इम्पॉर्टेंट, जेड स्कीम. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अच्छी तरह, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. आपको इतना तो याद रहेगा ना कि लाइट रिएक्शन में एक स्कीम आती है जिसको हम बोलते हैं जेड स्कीम. ठीक है, या फिर एक साइकिल आती है जिसको हम बोलते हैं जेड स्कीम. ठीक है, इट इज नॉन साइक्लिक. और जेड क्यों लिया, बिकॉज इट इज zigzag. ठीक है, zigzag की वजह से इसको हम जेड स्कीम बोल देते हैं. आगे देखो, हैच एंड स्लैक पाथवे, ये एनसर्कल कर लो बेटा. हैच एंड स्लैक, इन्होंने दिया था C4 साइकिल. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा बेटा, जैसे जैसे चैप्टर हम खत्म करते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आती होंगी. ठीक है, फिर देखो, ह्यूबर माइकल एंड डेसन हॉफर स्टडीड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर अंडरलाइन कर लो और इसके साथ लिखो जरा, कम्प्लेक्स ऑफ सेवरल प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स. ठीक है, तो ही स्टडीड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ
रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, पूरा नाम है इसका रोडोस्यूडोमोनास विरिडिस। तो जीनस है रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है, और विरिडिस है बेटा स्पीशीज, ठीक है। इनके लिए, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में गिवन है फोटोसिंथेसिस में, देखो क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ पे, ठीक है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब याद करो जरा, हमने पढ़ा था बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में कहाँ पे होगी, याद करो कहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस, पत्तों में, लीफ में, ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, एक प्लांट में, लीफ में बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है। और लीफ में भी कौन से सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी बताइए, शाबाश, कौन से सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी बेटा। लीफ में जो मीजोफिल सेल्स हैं, कौन से सेल्स, मीजोफिल सेल्स, उनमें फोटोसिंथेसिस होनी है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो, शाबाश, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स, सबको याद है अब, ठीक है, प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होगा, ठीक है, ग्रीन पार्ट क्या है, सबसे पहले तो ग्रीन पार्ट में हम पत्तों को ही देखते हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके बेटा स्टेम भी कैसे होते हैं, ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। तो देखो, इट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम, ठीक है, ग्रीन स्टेम। मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स, पत्तों में मीजोफिल सेल्स होते हैं। देखो पत्ते का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना बेटा, लीफ का स्ट्रक्चर, तो लीफ में जब इसका सेक्शन कट किया जाता है तो ऊपर भी एपिडर्मिस बनती है एक, ठीक है, और नीचे भी एक एपिडर्मिस बनती है, ठीक है, इस तरह से अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, और इन बिटवीन यहाँ पे बीच में क्या होता है, देयर आर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन सेल्स के पास क्या पड़ा होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट पड़ा होता है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, मतलब इस तरह से एक सेल है और सेल में ये क्या पड़े हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट पड़े हुए हैं, तो दिस इज मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो अब, मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लाई अलोंग द, अंडरलाइन करो, अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स। देखो हमने इन बिटवीन नहीं बनाए बेटा, जब भी मीजोफिल सेल्स बनेगा ना तो उधर यहाँ पे इस तरह से वॉल के साथ ही क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं, अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स, सो दैट, किस लिए ऐसे पड़े होते हैं, सो दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट पड़ रही है उनके ऊपर, लाइट फॉल, ठीक है, तो ताकि उनको ऑप्टिमम लाइट मिल सके, इसलिए वो इस तरह से मीजोफिल सेल्स की वॉल के साथ साथ लगे होते हैं, ठीक है, वॉल के साथ साथ ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा आगे देखो, व्हेन लाइट इज डिम, अगर लाइट डिम होगी तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे, देखो ध्यान दो, ये मैंने बनाया बेटा मीजोफिल सेल, ठीक है, इफ लाइट इज डिम, कम लाइट पड़ रही है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन विद दियर फ्लैट सरफेसेस, कैसे पड़े होंगे, फ्लैट सरफेसेस के साथ ऐसे, ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, ऐसे है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो उसका फ्लैट सरफेस ऐसे होगा, अगर क्लोरोप्लास्ट में, अगर सॉरी, अगर मीजोफिल सेल्स पे डिम लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेने के लिए वो इस तरह से फ्लैट सरफेसेस के साथ यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, फ्लैट सरफेसेस के साथ, ठीक है। अच्छा तो व्हेन लाइट इज डिम, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देयर फ्लैट सरफेसेस पैरेलल टू वॉल टू रिसीव मैक्सिमम लाइट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन ब्राइट लाइट, और अगर देखो ब्राइट लाइट पड़ी होगी तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे,
तो बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रही है ना, तो इस तरह से पड़े होंगे। ठीक है, ताकि उनको कम लाइट मिले। अगर कम लाइट है तो ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, कैसे बेटा? फ्लैट सरफेसेस के साथ, और अगर ज्यादा लाइट मिल रही है तो परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन ब्राइट लाइट। क्लियर बेटा? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? हमने पीछे भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट, इट इज डबल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इस तरह से डबल मैम्ब्रेन है। ठीक है जी, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मैम्ब्रेन सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? एक मैम्ब्रेन सिस्टम है। याद करो, मैम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? मैं पूरी डायग्राम नहीं बेटा बनाऊंगी, क्योंकि हम ये डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, मैम्ब्रेन सिस्टम में हमने किया था ये ग्रेना, ठीक है, मतलब ग्रेनम, और ये क्या थे? दीज आर ऑल्सो द थाइलेकोइड। ठीक है, बट कैसे थे? फ्लैट एंड थाइलेकोइड। ठीक है, इनको हमने बोला था स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोला था? स्ट्रोमा लैमिले। नहीं याद आ रहा बेटा तो पीछे टर्न करके जरा एक बार अच्छे से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देख लो। ठीक है, शाबाश। तो देखो, इसी को ही हमने क्या बोला था? मेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों को मिला के ये क्या बन गया? मेम्ब्रेन सिस्टम बन गया। फिर से देखो, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या आया? ग्रेना। ठीक है, दो ग्रेना मैंने बना दिए यहाँ पे, एंड स्ट्रोमा लैमिले। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन सिस्टम। और उसके अलावा अब क्या बच गया? एंड फ्लूइड इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे फ्लूइड को? स्ट्रोमा बोल देंगे। ठीक है, यही चीजें थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, देयर इज क्लियर डिविजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के ये जो दो पार्ट बने हमारे पास, नंबर वन मैम्ब्रेन सिस्टम, नंबर टू स्ट्रोमा। मैम्ब्रेन सिस्टम एंड दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, इनमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर हुई पड़ी है, मतलब इसका अपना काम है और इसका अपना काम है। ठीक है, द मैम्ब्रेन सिस्टम, अब क्या क्या काम है? ठीक है, दो पार्ट हमने पढ़े ना बेटा, कौन कौन से दो पार्ट है? शाबाश, मैम्ब्रेन सिस्टम, मैम्ब्रेन सिस्टम, और दूसरा पार्ट क्या है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो दोनों का काम क्या है। मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, मतलब ये मेम्ब्रेन सिस्टम क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करेगा बेटा? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, खींचेगा। लाइट एनर्जी कहाँ से आएगी? सोर्स क्या है? सन। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, क्या करेगा? लाइट एनर्जी को खींचेगा और उससे क्या बनाएगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ये हमारे पास बनेगा, एनर्जी बनेगी। ठीक है, क्लियर बेटा? और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी ट्रैप हो रही है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। याद हो गया? ठीक है, आगे आओ। इन स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है फ्लूइड है, ठीक है, इसमें क्या होगा? एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स कॉन्टिन्यूस रिएक्शंस करेंगे। क्या करेंगे? दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, उसको फिक्स करेंगे बेटा, फिक्स करेंगे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल। वो कौन है? ग्लूकोज। ठीक है, विच इज इन टर्न फॉर्म द स्टार्च, जो बाद में क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? फिर से समझो, ध्यान दो। इन स्ट्रोमा नंबर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी और क्या बनेगा? शुगर मॉलिक्यूल बनेगा, विच इज लेटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डार्क रिएक्शन। फिर समझो, अब देखो, दिस इज फोटोसिंथेसिस। पुत्र, फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो मेम्ब्रेन सिस्टम है,
वो लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्या क्या बना रहा है, एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। जबकि डार्क रिएक्शन में जो कहाँ हो रही है, इन द स्ट्रोमा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक्चुअल में फूड फॉर्मेशन कब हो रही है, ओनली इन द स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन जब हो रही है तब, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सिर्फ क्या बन रही है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ पुत्र, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ध्यान दीजिए फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शंस, वन इज द लाइट रिएक्शन, ठीक है, सेकंड इज द डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहले फोटोसिंथेसिस की कॉमन रिएक्शन पहले अपने दिमाग में आपने रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा तो फोटोसिंथेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, ठीक है, इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में प्लांट्स क्या करेंगे, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फूड, क्या बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्लियर बेटा। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसमें एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी, और वही एनर्जी यूटिलाइज होगी इन द डार्क रिएक्शन, जिससे बनेगा खाना, फूड बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो हमने पढ़ा कि एनर्जी किस फॉर्म में बन सकती है, एनर्जी बन सकती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, किस फॉर्म में, एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। डार्क रिएक्शन में यही दोनों चीज़ें यूटिलाइज होंगी, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। आगे आओ नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन टेक प्लेस इन मेम्ब्रेन सिस्टम आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन एंड आर कॉल्ड एज अ लाइट रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन हमने पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ा कि ये कहाँ पे होगी, मेम्ब्रेन सिस्टम में होगी, ठीक है। तो देखो जो रिएक्शन मेम्ब्रेन सिस्टम में हो रही है, इट इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, डायरेक्टली लाइट ड्रिवन मतलब सीधा ही लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और इस तरह से एनर्जी बन रही है, मतलब लाइट सीधा यूज होके एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लाइट रिएक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। जबकि जो रिएक्शन होगी बेटा इन द स्ट्रोमा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, ठीक है, सीधा लाइट पड़ने से फूड नहीं बन जा रहा है, ठीक है, सीधा लाइट पड़ने से तो एनर्जी बनी, तो इसको ही हमने लाइट रिएक्शन बोल दिया। दूसरी में लाइट एनर्जी का सिर्फ प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो इट इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, और वो प्रोडक्ट कौन कौन से थे, एटीपी एंड एनएडीपीएच, सो दिस इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। इट इज बाई कन्वेंशन, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर लाइट रिएक्शन होगी बेटा एक प्लांट के अंदर, अगर एक लाइट रिएक्शन हो रही है प्लांट के अंदर, तो श्योर है कि डार्क रिएक्शन भी होगी ही होगी, ठीक है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर लाइट रिएक्शन होगी बेटा तो डार्क रिएक्शन भी होगी, याद रखना है, ठीक है। बट अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होनी है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, इट इज बाय कन्वेंशन, ठीक है, इट इज बाय कन्वेंशन। अच्छा, इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में हो रही है, नहीं, ठीक है। और that they are not light dependent, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि it is not light dependent, it depend on the product of light, ठीक है, या ऐसा नहीं बोल सकते dark reaction की ये रात को हो रही है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, ठीक है, clear। अच्छा
तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ठीक है। पहले यहां तक देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, शाबाश। डार्क रिएक्शंस को बेटा हम केमिकल, सॉरी डार्क रिएक्शंस को हम कार्बन रिएक्शंस भी बोल देते हैं, डार्क रिएक्शंस को, ठीक है। और लाइट रिएक्शंस को हम फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शंस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमिले होंगे, ग्रैना प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा इज देयर, राइबोसोम्स भी पड़े होते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट पड़े होते हैं, डीएनए इज ऑल्सो देयर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। ठीक है, अब देखो जब बेटा हम सिंपल एक प्लांट को देखते हैं, ठीक है, तो हमें इन जनरल सीधा ही हम प्लांट को देख के बोल देते हैं इट इज़ ग्रीन इन कलर, ठीक है। बट अगर आप बहुत ध्यान से उसको देखोगे तो देयर आर नंबर ऑफ शेड्स ऑफ ग्रीन इन अ प्लांट, ठीक है। पत्तों में सिर्फ एक ही तरह का ग्रीन नहीं होता, बहुत अलग अलग तरह के ग्रीन कलर हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट है, आपने शायद केमिस्ट्री में किया होगा, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, वॉट्समैन पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम पहले तो पत्तों को अच्छी तरह एक सॉल्यूशन में घोल के उसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर जो स्लरी बनता है, ठीक है, जो स्लरी बनेगा उसकी कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से इस तरह से एक स्ट्रिप सी काटी जाती है वॉट्समैन पेपर की, ठीक है। फिर वहाँ पे हम एक डॉट सा बना के वहाँ पे वो जो हमने स्लरी बनाया, ठीक है, उससे एक ड्रॉप, दो ड्रॉप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जिससे धीरे धीरे उस ड्रॉप से पिगमेंट सेपरेशन होनी शुरू हो जाती है और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के पिगमेंट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जब की जाती है तो हमें पता चलता है कि इन पत्तों में सिर्फ अकेला ये ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है, जो लीफ पिगमेंट्स हैं वो बड़ी तरह के हैं, ठीक है। तो हमें वो कहाँ दिखेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो टोटल बेटा चार तरह के पिगमेंट्स आपने याद रखने हैं, फोर पिगमेंट्स आर देयर, ठीक है। फोर पिगमेंट्स कौन कौन से, पहले बेटा इनके नाम याद कर लो, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, कौन सा बेटा, क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल बी पिगमेंट, देन जेंथोफिल एंड फोर्थ वन इज कैरोटीनॉइड्स। तो ये चार तरह के पिगमेंट्स हैं, जल्दी से याद करो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मैं रीड कर रही हूँ, देखो, कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू फोर पिगमेंट्स, फोर एंड सर्कल कर लो बेटा यहाँ पे, गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, फोर पिगमेंट्स कौन कौन से, पहला क्लोरोफिल ए, और ये कैसा होता है, ठीक है, कैसा है बेटा, ये भी आपको याद रखना है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है, कैसा होगा, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है। देन क्लोरोफिल बी, अच्छा कहाँ पे, इन द क्रोमेटोग्राम, मैंने आपको समझा दिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हम करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वॉट्समैन पेपर होगा जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उन पिगमेंट्स में टोटल चार तरह के पिगमेंट्स हैं, पहला जो ब्लू ग्रीन होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए,
ठीक है। दूसरा येलो ग्रीन, जो येलो ग्रीन हमें दिखेगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी, देन येलो ओनली, अकेला येलो कौन सा होगा, ज़ेंथोफिल, एंड येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है, वो कौन सा होगा बेटा, कैरोटीनॉइड्स। तो ये चार तरह के पिगमेंट्स बने, कौन कौन से बने बेटा, शाबाश, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ेंगे कि इन पिगमेंट्स का फोटोसिंथेसिस से क्या लेना देना है, ठीक है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेंगे। तो पहले तो आपने याद रखना है बेटा कि जितने भी ये पिगमेंट्स होंगे बेटा, दे हैव द एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी है, टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की इनके पास एबिलिटी है। मतलब इनका मेन फीचर क्या है, ये लाइट को खींच सकते हैं, ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लाइट तो पड़ रही है ना बेटा, बट उस लाइट को अपनी तरफ खींचना ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारी वेवलेंथ वाली लाइट, नहीं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को ये अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे आओ, अब इन पिगमेंट्स के बारे में देखो, दीज पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन थायलाकोइड मेम्ब्रेन। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमें पता है इस तरह से जो ग्रैना थे ना, दे आर मेड अप ऑफ थायलाकोइड, तो इन थायलाकोइड में यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, ए बी ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, तो ये पिगमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दीज आर लोकेटेड इन थायलाकोइड मेम्ब्रेन, किसमें बेटा, थायलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आते हैं धीरे धीरे बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, तो ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मैंने इनका फंक्शन आपको बता दिया, दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो, इट एब्जॉर्ब लाइट, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इट एब्जॉर्ब लाइट इन वायलेट एंड ब्लू एंड रेड रीजन, कौन कौन सा, वायलेट ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है। पहले बेटा आपको याद रखना है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कौन सा, विबग्योर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, विबग्योर, ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी बोल देते हैं, दैट इज PAR, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब इन पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, इन पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसी को ही ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरोफिल पिगमेंट, वो कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्लियर, वायलेट ब्लू एंड रेड ऑफ द रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, दैट इज विबग्योर। क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये इस ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर बेटा, प्लांट का हमें ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है पत्तों का, बिकॉज देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हमें वहां पे दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड। इन प्लांट्स मोस्टली देयर आर टू काइंड ऑफ क्लोरोफिल, मोस्टली देयर आर टू काइंड ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा अब आते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल ए पे, क्लोरोफिल ए, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज C55H72O5N4Mg, ठीक है, वैसे तो इसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी एक बार आपने रीड कर लेना है बेटा,
ठीक है, इजीली याद भी हो जाता है वैसे ये C55 at 72 O5 N4 Mg, ठीक है, एंड मॉलिकुलर वेट कितना है 893, ठीक है, क्लोरोफिल ए की बात हो रही है, एंड इट अकर्स इन ऑक्सीजेनिक, अंडरलाइन करो, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या हुआ पुत्र, ध्यान से समझना, जब एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो उस फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल दो, कल हमने पढ़ा था, शाबाश। वेरी गुड, बैक्टीरिया, एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल क्या होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, तो जितनी भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी उनमें मोस्टली कौन सा पिगमेंट यूज होगा, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ए, कौन सा यूज होगा बेटा, क्लोरोफिल ए। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब अगर कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे प्लांट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बेटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। जब भी मैंने वर्ड बोला प्लांट, ठीक है, तो आपको बस वहीं से ही पकड़ लेना है कि अगर एक प्लांट है तो उसमें कौन सा पिगमेंट होगा ही होगा बेटा, दैट इज ओनली क्लोरोफिल ए। मेन पिगमेंट सभी प्लांट में क्लोरोफिल ए ही होता है, तो इट इज यूनिवर्सल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट परफॉर्म प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले वो लाइट खींचेंगे, ठीक है, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से बनेगी ATP एंड NADPH, ठीक है। तो वो कौन सा पिगमेंट करवाएगा, वो करवाएगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, कौन करवाएगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल करवाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C55H70, यहाँ पे 72 था, यहाँ पे 70 O6, यहाँ पे O5 था, यहाँ पे O6, आगे N4 Mg, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 907, एंड इट एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट, ये सर्कल करो, ये मेन पिगमेंट नहीं है क्लोरोफिल बी, मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी इज एक्सेसरी पिगमेंट बिकॉज ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट इट इज एक्साइटेड, जब ये लाइट को एब्जॉर्व करता है तो ये एक्साइट होके अपनी एनर्जी किसको दे देता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देता है, ठीक है, मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, बी इज नॉट मेन पिगमेंट, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये अपनी एनर्जी एक्साइट होकर सीधा किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देगा, ठीक है। आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, आपकी बुक में स्ट्रक्चर भी बना पड़ा है, देखो साइड में, बट ये आपको नहीं करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, आप नीचे फाइटोल टेल तो आपको क्लियरली दिख रही है, ऊपर वाला पोर्शन सारा क्या है, पोरफायरिन हेड, ठीक है, क्या है बेटा, पोरफायरिन हेड है। तो देखो, विल स्टेटर स्टॉल एंड फिशर स्टडी क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, इट हैज अ टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, टेडपोल इज अ लार्वा ऑफ फ्रॉग, किसका लार्वा है, फ्रॉग का लार्वा है। देयर इज अ पोरफायरिन हेड, देखने से आपको पता चल रहा है पोरफायरिन हेड है, ठीक है, एंड अ फाइटोल टेल, नीचे की तरफ टेल लगी हुई है। नॉन आयनिक मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम, ठीक है, तो देखो जो पोरफायरिन हेड है उसके बिल्कुल सेंटर में मैग्नीशियम है, बेटा मैग्नीशियम इन सर्कल कर लो, ठीक है, और आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के नहीं बनेगा, ठीक है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के कभी नहीं बन सकता है, ठीक है, इट इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ द पाइरोल रिंग्स, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी,
ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इट इज ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है देखो, पहले तो फर्स्ट देखो क्लोरोफिल ए एंड बी, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये तो अभी हमने किया C55H72O5N4Mg फॉर क्लोरोफिल ए। फॉर क्लोरोफिल बी इट इज C55H70O6N4Mg। कलर भी हमने किया, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल करो बेटा। क्लोरोफिल ए का क्या कलर आएगा, ब्लू ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन इन कलर, जबकि क्लोरोफिल बी इट इज येलो ग्रीन इन कलर। इट इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और ये कैसा है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर, सॉल्युबल इन 92% मिथाइल अल्कोहल। अच्छा कार्बन थ्री, ये आपने ध्यान रखना है, ये हम बता रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू कि क्लोरोफिल ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उस हिसाब से। पहले आप स्ट्रक्चर में देखो बेटा, पॉरफायरिन हेड देखो, सेंटर में मैग्नीशियम है, फिर देखो यहाँ पे रिंग्स बनी पड़ी हैं, ठीक है। रोमन नंबर गिवन है रिंग को 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो जो नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 वाली जो रिंग है उसमें देखना थर्ड कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप, ठीक है, विच इज इन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो कार्बन 3 कंटेन CH3 ग्रुप, क्लियर। जबकि क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में यहाँ पे कार्बन 3 के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, बस ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, ठीक है, अदरवाइज बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट है 893 एंड क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 907, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स, क्लियर बेटा, क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया, क्लोरोफिल में टू टाइप ऑफ क्लोरोफिल वी हैव डन, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। अब आते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, दे अकर इन थायलाकॉइड, ये भी थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होंगे एंड एक्ट एस, ये भी क्या होंगे बेटा, एक्सेसरी पिगमेंट, मेन पिगमेंट सिर्फ एक है, प्राइमरी पिगमेंट इज ओनली वन, दैट इज ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बाकी सारे एक्सेसरी होंगे, ठीक है। इनका काम भी क्या है, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, ठीक है, कहाँ पे, इन द मिड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, मतलब यहाँ जैसे कहीं मिड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसफर इट टू द, जितने भी बेटा एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, एक्साइट होके अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। नाउ दीज कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैरोटीन एंड सेकेंड इज जेंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स क्या है, ये जो कैरोटीन है, कैरोटीन ये बेटा क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय द नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, किससे प्रोटेक्ट करेगा, फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे देखो बेटा अभी हम पढ़ रहे थे कैरोटीन मतलब जो कैरोटीनॉइड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज कैरोटीन एंड सेकेंड इज जेंथोफिल। ध्यान दो जो कैरोटीन है दे आर ओनली द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, समझ लो सिर्फ, ठीक है। अच्छा जो जेंथोफिल्स हैं याद रखना है दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, ठीक है, मतलब कैरोटीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जेंथोफिल, ठीक है। अब देखो हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जो कैरोटीन है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टूट ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए विद द ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जो कैरोटीन होगा वो फटाफट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जेंथोफिल, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा आगे
फंक्शन एज एसेसरी पिगमेंट, ये हमने कर लिया, किसकी तरह काम कर रहा है, एक एसेसरी पिगमेंट की तरह ये कैरोटीनॉइड काम कर रहा है, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको किसको दे देगा बेटा, वो उसको दे रहा है किसको, टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, प्रोवाइड कलरेशन टू मैनी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये अंडरलाइन करो. अभी हमने किया कि विब ग्योर में ये कहाँ, जैसे कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो मिड रीजन में है, ठीक है, मिड रीजन में, जैसे येलो ऑरेंज, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करेगा. इसको तो चलो रिफ्लेक्ट करता है, बचा क्या, येलो ऑरेंज ब्लू, ठीक है, ब्लू को तो सारे एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो येलो ऑरेंज की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है. तो किसको कलर प्रोवाइड करेगा, टू द फ्रूट एंड द फ्लावर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ठीक है. कौन प्रोवाइड करेगा, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, कौन बेटा, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, ठीक है. तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है. देख लो बेटा, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शंस है ना बेटा कैरोटीनॉइड का, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे कैन प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फ्रॉम, लिख लो अपनी बुक में, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. दे कैन प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, शाबाश. शाबाश बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो. ओके देन, थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ.